हेलो राकेश, हाय नुपुर, हाय मानसी, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू फिजिक एम अकेडमी. दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन बैंक. ओके, तो कल तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे गाइस. किसके क्वेश्चन किए थे? बुक कैरथल्स के. ओके, तो अभी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी और क्वेश्चंस करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 के ही. और जो हमारा चैप्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. ओके, बाय मी, दैट इज दिव्या अग्रवाल. सो लेट अस स्टार्ट. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, इसको इस तरह से आपने कुछ बनाया, फिर आपने बनाया CH3COOH, साथ में THF एंड देन हीट. इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो आपका जो R है वो ME हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. और आपका जो R है वो आपका NHCOME हो सकता है. दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होने वाला है गाइस, ये जो पार्ट है, सबसे पहले यू नो दैट दिस इज अ बेस. ओके, तो बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन को ले जाना है. बेस विल जस्ट टेक अप दिस प्रोटॉन. अब अगर वो बेस प्रोटॉन को ले जाएगा तो प्रोटॉन को लेने के बाद में इस तरह से कुछ मिलता है. यहाँ पे COOET, यहाँ पे R और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, ठीक है. ऐसा होने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको इधर हिट करेगा और ये चीज क्या करेगी, H+ को एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसा हो जाने के बाद में इस तरह से जुड़ जाएंगे. यहाँ पे आपको COOET एंड यहाँ पे R जो भी है, व्हाटएवर इट इज, इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है. अब ये जो जंक्शन है हमारा, ये जनरली सिस बन रहा है. ओके, अब अगर RME है तो ये जो प्रोडक्ट है उसका यील्ड आता है 78%, और अगर आपका ये वाला ग्रुप है तो प्रोडक्ट का यील्ड आता है 85%. बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी यील्ड कितना आ रहा है. आप समझ रहे हो? यस, नेहा, प्रतीक्षा, दीप्तमय, मानसी एंड एवरीवन. हाय श्रेया, हेलो एवरीवन. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर कट, देयर इज नो इश्यू एज सच. हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समवॉट वैसा ही है, इस तरह से कुछ दिया और साथ में आपको इस तरह से कुछ दिया. यहाँ पे डबल बॉन्ड लेकर आए इसको, या तो एसिड दे दिया, एनी एसिड, ओके, एनी एसिड, और या फिर आप इसको बेस भी दे सकते हो, एनी बेस. ओके, OH- में लिख रही हूँ जनरली. तो क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास में प्रोटॉन है, ठीक है. अगर आपने बेस लिया तो बेस क्या करने वाला है, प्रोटॉन को ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे जनरेट करेगा. मतलब जनरली यहाँ पे आपको एक इनोलेट टाइप समथिंग मिल जाएगा, इफ यू वांट टू मेक, ऑल दो ओके नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक. आप बना सकते हो इसको इधर और इसको इस तरह से, तो आपको इस तरह से कुछ मिलने वाला है, ठीक है. अब क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो साथ में O- यहाँ पे R, तो क्या होने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम आगे चलेंगे. एंड वी विल सी दैट ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ जा रहा है और ये चीज यहाँ पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, जिसकी वजह से आपको OP- इस तरह से कुछ मिलेगा यहाँ पे R. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन पर यहाँ और ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा
ऐसा हो जाने। डू यू रिमेम्बर रॉबिन्सन्स एनिहिलेशन गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? तो ये कुछ हद तक रॉबिन्सन एनिहिलेशन ही है, कुछ हद तक नहीं, रॉबिन्सन एलिमिनेशन रॉबिन्सन्स एनिहिलेशन ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में प्रोटॉन है। अब जो हमारा बेस है वो क्या करने वाला है, प्रोटॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालने के बाद में यहाँ अटैक करेगा और ये फिर से यहाँ पे भी रिंग बन सकती है। यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो यू विल गेट वन मोर 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आने वाला है। ठीक है, अगर आप ओ एच एंड एच को एलिमिनेट करा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एंड देन यहाँ पे आर, तो ये आपका मिल जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरी वन? यस यस यस। सो दोज हु हैव कम फर्स्ट टाइम टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब। एंड सेकेंड थिंग इज यू विल बी गेटिंग दीज नोट्स इन यू नो अ चैनल, और जो चैनल है उसका नाम है दिव्या, टेलीग्राम चैनल दिव्या। वहाँ पे आप इसके आपको पीपीटीज ही मिलेंगी, क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली कन्वर्ट कर रही हूँ तो फिर जो डेटा लिखा हुआ है वो आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए आई विल बी प्रोवाइडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी ओनली। सो आई होप यू गाइज आर डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड हियर वी गो। इसको आपने दिया फर्स्ट स्टेज में पी एच एच अलॉन्ग विद हीट, सेकेंड स्टेज में ए सी ओ एच एंड देन एम ए ओ ए सी। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो राइट वाटर इफ इट इज रिक्वायर्ड। देन वॉट विल हैपन गाइज, यू नो ये जो है आपका, ये आपका यू नो इनामीन है, यू नो ना इनामीन, व्हाट इज इनामीन? सो दिस इज इनामीन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक कर सकते हैं। यू नो नाइट्रोजन के एनालॉग्स जो होते हैं वो जनरली 1,4 अटैक करते हैं दोस्तों, और अगर वो 1,4 अटैक करेगा तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन इस तरह से कुछ मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सी एच थ्री। ओके, अब ये चीज वापस आपकी यू नो प्रोटोनेट हो जाएगी। ऐसे कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ इफ यू डोंट माइंड, इसको हम कहेंगे कि इसमें इसको हाइड्रोलाइज भी करते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस भी कर दो तो ये मिल जाएगा। अभी वापस हम यहाँ पे प्रोटोन है, पी एच एच हीट और ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है एन ए ओ सी, तो जो बेस है वो फिर से प्रोटॉन को लेगा। इनोलेट ना बना के मैं डायरेक्ट अटैक कर देती हूँ, बिकॉज अब ये स्टेप्स तो बहुत ईजी हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हमको दोस्तों। तो वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे डबल वन ओ, यहाँ पे भी एच। अब यहाँ पे भी वही पानी एलिमिनेट हो जाएगा, और पानी के एलिमिनेशन होने के बाद में भी आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड ओ एंड लाइक दिस। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, अंडरस्टूड? या
Now let me write some next question. And here we go. Question number 4 is here. इसको दिया एल डी ए, यू नो ना व्हाट इज एल डी ए, ओके, टी एच एफ एंड माइनस 78 डिग्री सी से आपको मिलेगा ए. आगे चलेंगे तो वी आर प्रोवाइडिंग इट विद एन पी आर सी एच ओ, सेकेंड स्टेज वी आर प्रोवाइडिंग इट विद एच थ्री ओ प्लस, इससे आपको मिलेगा पी. प्लीज टू लेट मी नो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. स्लाइड शो चल रहा है. अच्छा स्लाइड शो अच्छा है. हाँ अच्छा है, सही बात है. So try करो. सबसे पहले what will happen guys, LDA is a base and it will take a proton from less hindered side. तो LDA proton को लेगा, electron pair यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएगा एक enolate, okay? इस तरह से enolate मिलेगा. अब जब आपको enolate मिला तो उसको कहते हैं isopropyl CHO, ठीक है, या normal propyl, sorry, normal propyl मतलब 1, 2, 3 एंड सी एच ओ, ठीक है. वॉट विल हैपन, ये इधर जाएगा, इसको अटैक करेगा इस तरह से, तो यू विल बी गेटिंग डबल बॉन्ड ओ. यहाँ पे ओ एच यू विल गेट, देन 1, 2, 3, ओके. देन वी हैव हाइड्रोजन हियर. अगर आप चाहें और बेस मौजूद हो तो इसको इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज एल्डोल कंडेंसेशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो भी मेरे साथ जुड़ा लाइक कर देना गाइस. हाँ मेरा वीडियो ऑफ है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो ऑन करके पढ़ाने का, क्योंकि ऐसे वीडियो ऑफ करके क्या होता है ना, मैं केक पेस्ट्रीज कुछ भी खा सकती हूँ और वीडियो ऑन करके तो मैं नहीं खा सकती. तो तुम समझ रहे हो भावनाओं को. तो चलो आगे चलते हैं. सो हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने इसको दिया पिरिडीन और साथ में TiCl4, सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट गाइस? हाँ शुक्रिया प्रतीक्षा. अभी तुम तो जब देखो खाते पीते रहते हो, अब एजुकेटर बेचारा क्या करे, भूखा है वो, है ना. जब भी कैमरा ऑफ है मतलब कुछ खाना पीना चल रहा है बैकग्राउंड में. और ये तो मेरा ही चैनल है ना, यहाँ पेनल्टी भी नहीं लगती, तुम समझ रहे हो. चलो चलते हैं. तुम्हें पता है कल मेरे मोमोज भी ठंडे हो गए थे, फिर तुम्हारे चक्कर में थोड़े से वार्म रह गए थे, तो आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी. तो देखो अब क्या होगा, पिरिडीन इज अ बेस, यू नो ना, पिरिडीन इज अ बेस. और क्योंकि पिरिडीन बेस है तो यहाँ पे मेरे पास में प्रोटॉन है, तो पिरिडीन क्या करेगा, बेसिकली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है. और प्रोटॉन को जब वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है. और उसके बाद में क्या होने वाला है, ये इसको इधर अटैक करेगा. बहुत ही ईजी बीजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है. यहाँ पे ऊपर माइनस, यहाँ पे इस तरह से यू विल बी गेटिंग समथिंग समथिंग, यस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो. इसको प्रोटॉन दे दो यार, यहाँ पे प्रोटॉन है. अब बेस को बुलाओ, प्रोटॉन को हटाओ, बॉन्ड इधर ओएच को बाहर निकाल दो. इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है.
ठीक है, सो दिस इज योर अल्टीमेट प्रोडक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे तुझे कैसे पता प्रतीक्षा, मेरी मम्मी मुझे भिंडी लौकी के अलावा और खिलाती क्या है. तुम मेरे क्या बोलते वो जले पे नमक मत छिड़का करो. भिंडी खाई आपने, लौकी खाई, क्या यार. चलो आगे चलें. चलो नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है. तो लाइक वी हैव एल्डिहाइड आर सी एच ओ एंड उसके साथ में हमने ऐसे कुछ लिया सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ ई टी एंड इसको हम दे रहे हैं ये. पहचानो कौन है ये और नमस्ते भी बोलो. ठीक है, इससे मिलेगा प्रोडक्ट है. बताओ क्या नाम होगा इसका बेटा. क्लास कब एंड होगी? शुरू तो होने दे अच्छे से, अभी तो मतलब शुरू भी नहीं हुई है. एंड कब होगी? आधे घंटे बाद. अभी तो 15 मिनट हुए हैं. दिस इज डेबको. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज डेबको. इसका नाम है डेबको. ठीक है, डेबको होता क्या है? 1,4 डाइएज़ा बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन. इसको प्यार मोहब्बत से क्या बोलते हैं? डेबको. दिस इज अ बेस, दिस इज एन अमीन. ठीक है, और इसका रिएक्शन का नाम बोलूं क्या है? इसका नाम है, मतलब नाम तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द जनरल कॉमन बात बता रही हूँ. बेलस हिलमैन रिएक्शन. अभी ये मत बोलना हमारे कोर्स में नहीं लिखा है. लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, नाम से नहीं आता. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ट्राई तो आप कर ही सकते हो. तो ये डेब को क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन निकालता है, मतलब जो कि बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बट उसके अलावा कुछ और नहीं हो पा रहा है. तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है यहाँ पे, यहाँ पे ओ ई टी, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो इसको अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर से. आपको मिलेगा आर ओ के साथ में एच, देन इसके साथ में फिर आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड, देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी. इस वजह से थोड़ी अनोखी सी ये रिएक्शन है. थक चुके हो? ओ माय गॉड, थोड़ा आराम कर दो रघु. जो नेक्स्ट क्लास है बेटा वो है 7:30. कितनी बार बच्चों ने बता दिया, मैंने पढ़ा था 7:30 PM है हमारा अनअकैडमी पे क्विज. बस इतना सा तो क्लास है, सिर्फ 7:30 से 8:30. वो वाली हमारी 6:15 वाली नहीं थी ना, तो मैंने वो 8:30 वाली यहाँ शिफ्ट कर दी है ना. सही किया ना? तो बस टेंशन ना लो और रो मत. आंसू बहुत कीमती हैं, इनको ऐसे ही यूं ही ना बहाया करो. बढ़े आगे. एक बहुत ही बेहद खूबसूरत सवाल आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है. खूबसूरत मतलब इम्पोर्टेंट है. ओके, सो लाइक वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे वी हैव एम ई. इसको अगर दे दिया जाए एल डी ए और साथ में दे दिया जाए टी एच एफ और साथ में दे दिया जाए -78°C. अब अगर अब प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है, तो अगर आर आपका इथाइल है और अगर टर्शी ब्यूटाइल है, तो वैसे तो जनरली बनाओ यार क्या प्रोडक्ट बनेगा. कुछ नहीं, एल डी ए ने क्या करना है, प्रोटॉन को लेना है, बॉन्ड इधर इस तरह से बनेगा. तो इट विल फॉर्म ओ एल आई डबल बॉन्ड, एक में एम ई ऐसा आ जाएगा और एक में आर
ओएलआई डबल बॉन्ड एक में एमई एस आ जाएगा, तो दिस इज सिस दिस इज ट्रांस। ठीक है, तो अगर इथाइल है आर आपका, अगर ये आर आपका इथाइल है, तो जो ये सिस वाला इनोलेट है ये बनता है 30% और ये बनता है 70%, और टर्शी ब्यूटाइल है तो सिस वाला बनता है 98% और ये बनता है प्रॉक्स 2%। प्रीडोमिनेंटली वो ट्रांस एंड सिस यूनिलेट्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, अगर तुम समझना चाहते हो तो, अगर आपने एल्डिहाइड लिया और इसको आपने इस तरह से कुछ दिया, ठीक है ये सिस है या इसको आप जेड भी कह सकते हो, तो यहां से जो प्रोडक्ट जनरली बनता है वो ऐसा बनता है गाइस, सिस 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 बनता है। और अगर आप ऐसा वाला ले रहे हो जिसको हम कहते हैं ट्रांस या फिर ई, अब ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो इससे आपको मिलता है ट्रांस प्रोडक्ट ही। और ऐसा क्यों है, उसका राज छुपा है आपके ट्रांजिशन स्टेट में जो मैं अभी बनाऊंगी नेक्स्ट पेज में। यहां तक सबको समझ में आ गया? बढ़े ही फिर आगे। चलिए ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, ये तो बिल्कुल दिमाग में चिपका डालने का है आपको, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, इनोलेट्स के बिहाफ पे चिपका डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यहाँ लिखे हुए हैं। फॉलो फिजिकेम, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आगे चलें, देखो देखो गाइस क्या होता है, लाइक हमारे पास में R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से, हमारा O के साथ में मेटल है, यहाँ पे हमारे पास में R डैश है, इसको अगर हम दे रहे हैं R C H O, तो सबसे पहले जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपने ना इस तरह से कुछ बनाना है, देखो ट्रांजिशन स्टेट बना के बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ में लिथियम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका एक और R डैश प्रेजेंट है, ठीक है अब तुम देखना हौले हौले क्या हो जाएगा, यहाँ पे R है, और यहाँ पे HS के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है अब आप देखो गाइज एक्चुअली होता क्या है, मैं उसको ग्रीन से बता देती हूँ, एक्चुअली होता क्या है, जो ये वाला पार्ट है वो तो यहाँ, ये जो ये वाला पार्ट है इधर अटैच होने लगता है और ये वाला इधर अटैच होने लगता है। अभी आपको ट्रांजिशन स्टेट कैसी दिख रही है, क्या आपको इस तरह से कुछ दिखता है बनता हुआ, इस तरह से कुछ दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, रियलिटी में हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ आ रहा है और ये चीज़ यहाँ अटैक कर रही है और ये चीज़ यहाँ अटैक कर रही है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी उसके मुताबिक जो आपका OH है वो इधर नीचे की साइड में बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, और जो R है ये वाला है ना, अगर आप इसकी बात करेंगे इस वाले का, तो ये वाला जो R है मैं इसको R डबल डैश कह देती हूँ, ठीक है
इस वाले को, तो ये मेरा आर डबल डैश हो गया और ये वाला आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट, आप प्लीज ध्यान से देखना गाइज, इस वाले आर की मैं बात कर रही हूँ और इस वाले कार्बोनिल की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों ऑलमोस्ट नीचे की साइड में बन रहे हैं, मतलब दे आर सिस टू ईच अदर। तो अब हम क्या बना देंगे, हम इस तरह से प्रोडक्ट बना देंगे। तो हमारा जो आर आने वाला है और जो हमारा OH आने वाला है वो हमने ऐसे बनाया, और बाकी जो चीजें थी वो एज सच ही रही। ट्रांजिशन स्टेट समझ में नहीं आया, बहुत ही बढ़िया बात है, दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, लेट अस सी गाइस, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। ओके, मैंने यहाँ पे लिया मान लो CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो इथाइल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ओ एंड देन लिथियम, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एम ई लिख दे रही हूँ मैं, और CHO, ठीक है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द ट्रांजिशन स्टेट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास में CH3 है, यहाँ पे मेरे पास में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास में इथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मेरे पास में लिथियम है। ये तो मेरा ये वाला जो पार्ट है मैंने वो ऐसे लिखा, मेरी मर्जी, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके लिए भी लिख रही हूँ MeCHO, तो मेरा ME मैंने इधर बना दिया, मैंने हाइड्रोजन इधर बना दिया, डबल बॉन्ड ओ जो है वो मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ और इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना सकती हूँ, आप लिथियम को ऊपर बना गया, तुमको शायद दिख नहीं रहा होगा वो, ये वाला जो पार्ट है, लेट मी मेक इट थोड़ा अपसाइड। ओके, सो इफ आई ड्रॉ इट अपसाइड, ओके, लिथियम मैंने यहाँ बना दिया। तो अब जो मेरा ये वाला बॉन्ड है ये इसके साथ इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या आपको ये ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना? आप चाहें तो इसको और खिसका सकते हैं इधर की साइड, मतलब लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, अब ये वाला पार्ट जुड़ रहा है उससे, मतलब नाउ लेट मी वेट। देखो क्या तुम्हें अब दिखा क्लियर, क्या आपको आपको अब दिखा क्लियरली, एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बन रही है ना, बन रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इस CH3 की शक्ल देखो और आप इस कार्बोनिल की देखो, एक्चुअली हो क्या रहा है, दिस इज इनोलेट ना, ये तो इनोलेट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप देख पा रहे हो, कहाँ गए आप सब यार, सो तो नहीं गए ना? देखो अब जरा इधर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इनोलेट है ना, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड इस लिथियम को ले रहा है, यही तो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा करने से जो CH3 वाला स्टीरियो है, मतलब एक्चुअली ये वाला बॉन्ड इससे कनेक्ट हो रहा है, तो अभी मैं इसको लिख दूं, जो मेरा ME है वो ऐसे आएगा, ठीक है, उसके साथ में ऐसे करके डबल बॉन्ड O आ रहा है और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब यार स्टीरियो तो इसकी और इस OH की, जो OH में कन्वर्ट हो रहा है उसकी देखी जा रही है ना, तो वो दोनों नीचे की साइड में, देखो ये नीचे है, ये भी नीचे की साइड में बन रहा है ना, तो मतलब दोनों सेम साइड में बन रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, या फिर मैं इसी को ऐसे बनाऊं, मेरी मर्जी, मैं बस ये कहना चाहती हूं दैट दिस शुड बी सिस। क्या अब आपको समझ में आ गया? ये तो सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन था वाई प्रोडक्ट ऐसा है, एक्सप्लेनेशन था, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, आप सीधे प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है,
सिस एंड ट्रांस, बस दिस इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो नोट, इम्पॉर्टेंट मतलब, तो दैट्स इट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर थिंग। गाइस आपने समझ लिया, लिख लिया सबने? यस एवरीवन। चलिए अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एंड देन सी एच थ्री, इसको आप दे रहे हो एल डी ए अलोंग विथ टी एच एफ माइनस 78 डिग्री सी, इससे मिलेगा ए प्लस बी, इसको अब अगर हम दे दें पी एच सी एच ओ उससे मिलेगा आपको ए बी सी प्लस डी। ओके नाउ व्हाट इज ए बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन्स व्हिच वी आर टेकिंग। ये आपके माइक्रो नोट्स ही हो गए गाइस, समझ रहे हो आप, क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब आपका आर चेंज होगा और उसके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट भी चेंज होंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ व्हाट इज ए, सो लेट मी राइट दिस एज ओ एल आई एंड दिस, ओके एंड बी के लिए लेट मी राइट इट दिस वे, दैट इज ट्रांस, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सिस को मैं जेड भी कह सकती, ट्रांस को मैं ई भी कह सकती। व्हाट इज सी, सी विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ, देन आई विल बी गेटिंग ओ एच, हियर आई विल बी गेटिंग पी एच, हियर आई विल बी गेटिंग एम ई। इफ यू टॉक अबाउट डी, देन डी इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, देन आई विल बी हैविंग पी एच ओवर हियर, ओ एच हियर एंड एम ई ओवर हियर। ओके नाउ व्हाट आई नीड टू कंसिडर, आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ आर की वैल्यू हमारी ई टी है और या टर्शियरी ब्यूटाइल है तो क्या होगा। अगर ई टी है तो ये 30% है और ये 70% है, अगर टर्शियरी ब्यूटाइल है तो ये 98% है और ये 2% है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट मेरा सिन हो गया और ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा एंटी हो गया, ये वाला प्रोडक्ट सिस है, ये वाला ट्रांस, ये वाला सिन हो गया और एंटी हो गया। अब अगर सिन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 64, दिस विल बी 36, इसकी बात करेंगे तो दिस विल बी 98, दिस विल बी 2। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। यस 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 दीप्तमॉय, लेट मी सेंड यू द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट, ओके इन अवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। ओके Yeah, so I've sent Deeptama, you can check in our group. Okay, now another one, I just wanted to write one more. Oh, yeah, so abhi I don't have, you know, slides guys. So let me introduce you with my upcoming batches. These are coming on Unacademy. So if there is anybody who want to join, can contact me. Okay, if you want to join these courses, in fact, full IIT GEM syllabus, you can WhatsApp me. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद यू।